आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चौदह तारीख को उत्तराखंड में जनता राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करने जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में जय भारत टीवी आपको लगातार आपके बीच बना रहा। हमने दिखाया कि जनता क्या कह रही है यूपी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर, नेता क्या कह रहे हैं। इस बीच आज चर्चा करेंगे युवाओं की। जवानी जिस ओर बहती है कहा जाता है कि रास्ते वहीं खुलते हैं। इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जिन भी राजनीतिक दलों ने अपना मैनिफेस्टो सामने रखा है उनके घोषणा पत्र में युवाओं को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ा वोट बैंक यूथ है और उत्तराखंड में कहा जाता है कि उत्तराखंड में जवानी और पानी कभी उत्तराखंड के काम नहीं आया। आज सहजपुर विधानसभा में हम हैं और आज एक अलग सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आप यहां पर देखिए, कुछ युवाओं के चेहरे आपको नजर आएंगे। ये वो युवा थे जो आज तक कहीं नहीं थे, यानी कि किसी राजनीतिक दल से इनका कोई संबंध नहीं था। आज इन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेस का दामन थामा है। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड का युवा सोच क्या रहा है उस दौर में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है, उस दौर में जब उत्तराखंड में कांग्रेस कंटेस्ट कर रही है। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी इस बात का भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, जनता का अभी फैसला आना बाकी है। ऐसे में प्रियंका गांधी जब से सड़कों में उतरी हैं, क्या कांग्रेस बदल रही है, क्या युवाओं का मन बदल रहा है, ये बातचीत करेंगे। हम जानेंगे युवाओं के मन में क्या है। विकास जी, कब लगा कि कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए? जी, कभी मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, बट जब मैंने देखा कि 5 साल यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही, कोरोना बीच में आया, इतनी दुर्गति हो गई युवाओं की कि उनके पास जॉब नहीं थी, सड़क पे आ गए, यहाँ पर मारकाट मचने लगी, तब मेरे को लगा कि कांग्रेस सरकार ही बदलाव ला सकती है। तब आज हमने ये फैसला करा, मैं और मेरे भाई लोग, दोस्त लोग, आज हमने सैकड़ों की तादाद में आज कांग्रेस में शामिल हुए। और मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक चेंज लेके आएगी, प्रियंका गांधी जी की नेतृत्व में एक अलग देहरादून बनेगा, एक अलग उत्तराखंड बनेगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं का सम्मान होगा और जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी की सरकार में उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने हर एक सरकार 5 साल टिकती है, 5 साल में अगर आप 4 बार अपना CM बदल रहे हो तो वो सरकार क्या चलेगी। तो एक सवाल मेरा है, मैं उत्तर प्रदेश भी, अभी हम लगातार जय भारत टीवी उत्तर प्रदेश में भी रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने करीब से जानने की कोशिश की। यूपी में जब से प्रियंका सड़कों पर उतरी हैं, आपको लगता है कि ये एक बदली हुई कांग्रेस अब नज़र आ रही है, ये क्या युवाओं को ये बात बेहतर लग रही है? मेरे को लगता है जब से प्रियंका जी सड़कों पर उतरी हैं, मोदी सरकार में बहुत डर है, बहुत डर है। और हमने अपना उत्तराखंड में सर्वे करवाया तो हमें 60% कांग्रेस की तरफ लोग मिले और 40% अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं रखते तो 40% बीजेपी की तरफ है और 60% कांग्रेस की तरफ है। ये केवल बदलाव हुआ है प्रियंका गांधी जी की वजह से, राहुल गांधी जी की वजह से, और मुझे लगता है कि इस बार उत्तराखंड में फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिशान गुलाटी है। दिशान, ये बताइए कि उत्तराखंड में युवाओं के मुद्दे इस समय जितने भी राजनीतिक दल, आज तो भाजपा भी लेकर आ गई अपना मैनिफेस्टो, युवाओं को नज़र में रख के योजनाएं ला रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता आम आदमी पार्टी कहती है देंगे और तमाम युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्या किस चीज़ ने प्रभावित होकर आप आए हैं कांग्रेस में? कांग्रेस का इसलिए मैंने ज्वाइन द्वारा करा क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी पूरी फैमिली लास्ट 25 साल से कांग्रेस के साथ है। अच्छा। मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, उन्होंने पूरा कांग्रेस सपोर्ट करा और शुरू से कांग्रेस से प्यार रहा। तो फिर आपने कांग्रेस छोड़ी, अभी तक आप अलग थे कांग्रेस? हाँ, मैं बीच में अलग हो गया था। मतलब ये आपकी घर वापसी? घर वापसी है।
क्या लग रहा है उत्तराखंड में, कितनी सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं? आप तो बड़े अंतिम समय में कांग्रेस के साथ आए हैं। कांग्रेस जुड़ने का एक रीज़न और था, जैसे कि हमने दिल्ली में देखा किसान आंदोलन और नारे हम लगाते जय किसान जय जवान, जवान किसान के अगेंस्ट हो गए, दंगे हुए, लोगों को परेशानी हुई, जो हमारे को भोजन दे रहा है उसी की रिस्पेक्ट नहीं है तो कहाँ से देश चलेगा। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम गर्वित सिंगल है। गर्वित जी, क्या है अंतिम समय में, 14 तारीख को आने में मेरे ख्याल 4 दिन बचे हुए हैं, आज आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया, ये बदलाव कैसे अचानक आया है? मैं बहुत टाइम से बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ। अच्छा। पर मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास बीजेपी आने से कोई भी खुश नहीं है, सारे बिजनेसेस, सारे स्टार्टअप्स, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कोई भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कोविड के टाइम पे सबका इतना बुरा हाल हुआ, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट ढंग से नहीं मिला, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, जो कि हमारे कंट्री में ऑलरेडी जब सरकार को पता है कि इतनी जनसंख्या है और इतना बड़ा पैंडेमिक आया है तो गवर्नमेंट को पहले से प्रिपेयर होकर चलना चाहिए था, लॉकडाउन टाइम पे नहीं लगा, तो ये सब रीज़न है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आसपास इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो वो सब मुद्दा जो बीजेपी सरकार है वो नहीं देख रही है, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से ये सब देखा जाएगा और लोगों के लिए चेंज लाया जाएगा। आपका क्या नाम है? अब्दुल। अब्दुल, ये बताइए कांग्रेस पार्टी में आखिरी समय में आने का आपने फैसला लिया है, 14 तारीख को मतदान होने वाला है, क्या है मन में, क्या चल रहा है युवाओं के? अभी जो दिक्कत आ रही है सबको यहाँ पे, वो क्या हो रहा है कि अभी ना इन्फ्लेशन बहुत ऊपर हो चुका है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, महंगाई ज़्यादा हो रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही, तो एवरीथिंग नीड्स आर चेंज, तो हम उस पर चेंज करते हैं। बीजेपी ने कर लिया जितना करना था 5 साल में, तो अभी एक नया शुरुआत हम करते हैं, एक मौका कांग्रेस को दिया जाना चाहिए, और अभी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में काफ़ी बदलाव आए हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि काफ़ी बदलाव आएंगे, तो इस बार इसलिए हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है अब्दुल, उत्तराखंड में हर जगह बेरोज़गारी की जो प्रतिशत है वो 23% इस समय हो चुका है उत्तराखंड में। आपको लगता है कि पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी वो बेहतर शासनकाल था इस शासनकाल की अपेक्षा? देखिए, बेहतर तो वो था, क्योंकि बेहतर ये इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि इतना डीप अकाउंट्स में नहीं जाते, लेकिन बेहतर वो इसलिए था कि अगर बेरोज़गारी थी तो उस लेवल का आपका महंगाई नहीं थी, लेकिन अब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो बेरोज़गारी ज़्यादा लग रही है। बेरोज़गारी अभी उतनी है, लेकिन ये है कि अभी जितने वादे किए गए थे कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी निकालेंगे, वो सब आया, बिल आए, चले गए, 5 साल ख़त्म होने को आएंगे, अभी तक एक भी आएगा कोई वसूल नहीं हो पाया है, तो अब इसलिए हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस का दामन थामा है ताकि आगे खुद बदलाव आ सकें। कुछ और युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका क्या नाम? करणजीत। करणजीत, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के पीछे आपका क्या विचार है, किस चीज़ों से प्रभावित होकर आप कांग्रेस की तरफ आए? जी हाँ, मैं पहली बात ये बोलना चाहूँगा कि पेट्रोल के बढ़ते दाम, डीजल के बढ़ते दाम, जो हमारी जनता है उनके सर पे इतना बड़ा भार है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ गई है, और जो महामारी चल रही है आजकल कोविड के चक्कर में, उससे भी लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, और अभी पीछे इतना ज़्यादा ओमनीक्रोम ये सब नए वायरस आ चुके हैं, तो जनता के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखते हैं नई सरकार हम चूज़ करेंगे, हम देखते हैं ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगी जो नई हमारी सरकार, और अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे CM भी बदलते रहते हैं हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, बट अब जो हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे लिए क्या नया करके दिखाती है, तो अब ये उसी से उम्मीद है हमारी कि कांग्रेस के साथ अब विकास होगा, तो देखते हैं। चलिए, तो आपका क्या नाम है? हर्ष। बताइए कि कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि कांग्रेस एक परिवर्तन लाना चाहती है, और हम युवा हैं, हम भी एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो इस देश में चल रहा है, इस उत्तराखंड में चल रहा है, वो बदले, जो ये महंगाई बढ़ रही है वो कम हो थोड़ी सी, ठीक है। कोरोना वायरस आया है, इस कोरोना वायरस में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, और वो उस हिसाब से बदल नहीं पाया जैसे हम चाहते थे, वो मैनेज नहीं कर पाई सरकार, तो हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करके क्या पता वो चीज़ें बेहतर हों, क्या वो पता वो सुधार आए। पिछली बार इससे पहले, भाजपा से पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही है, करीब 2.5-3 साल तो हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, वो कार्यकाल देखा आपने, कैसा उसे मानते हैं आप? हरीश रावत जी की सरकार में भी बहुत अच्छी सरकार चली, बट वो इतनी अच्छी चल नहीं पाई, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि क्या पता इस बार कांग्रेस उससे ज़्यादा बेहतर
परिवर्तन लाए, कुछ अच्छा करे, बीजेपी से अच्छा करे, जो पिछले साल से है यहाँ उनसे बेहतर करे। युवाओं के क्या मुद्दे आपको लगता है इस समय? युवाओं के सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गार, सबसे बड़ा मुद्दा यही है बेरोज़गार, महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, घर घर में राशन का बहुत दिक्कत है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, भूखमरी फैल रही है धीरे धीरे। वो सरकार तो कहती है हम मुफ्त राशन दे रहे हैं लोगों को, कहाँ है? आपको दिखा, आपको मिला? हमें तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। एक बड़ी योजना केंद्र सरकार ने चलाई और कहा कि कोरोना काल में जो लोग परेशान हैं उनको मुफ्त राशन देंगे, उस राशन का ना आपको पता है ना हमें पता है, कहाँ गया वो राशन? योजना तो चलाई लेकिन योजना चली क्यों नहीं? अभी तक तो वो चली नहीं, क्या पता। बिल्कुल। और भी हमारे साथ युवा साथी हमारे, आपका क्या नाम है? यशप्रीत। यशप्रीत जी बताइए, आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के उभर रही है उत्तराखंड में, और UKD भी एक पार्टी आपके लिए हो सकती थी, फिर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि चलती सरकार की नीतियों को देखते हुए तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिख रही बिल्कुल भी कि उनको वापस से एक मौका दिया जाए और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि देखिए ये हमारा ही डिसीजन है, ये युवाओं का डिसीजन है, ये बुज़ुर्गों का है, ये सबका डिसीजन है, अगर इसको हम लोग किसी गलत हाथ में देंगे तो हम लोगों को ही 5 साल पछताना पड़ेगा और किसी को नहीं पछताना पड़ेगा, सब लोग तो अपना जो भी है वो उनका सीख हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस को इस बार वोट देने का मकसद इसलिए है कि कुछ परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए, जो कि चेंजेस नहीं हुए इस सरकार में वो क्या पता। कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है कि इस समय जनता के बीच में है और जनता उन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है? जनता के मुद्दे बहुत सारे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी कम होना, उनके दाम बढ़ने, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक मध्यम वर्ग का आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, जो कि जो दिन में एक दिहाड़ी मजदूर है जो उसने काम पे जाना होता है, वो काम से वापस आना होता है, आज पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर हैं तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा उन किसानों को जो शहादत दे चुके हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए जय जवान जय किसान, मैं सब भाइयों के साथ नारा लगाना चाहूँगा, जय जवान जय किसान। चलिए तो ये थे वो युवा जो कांग्रेस में आज शामिल हुए हैं और इनका मानना यही है, आखिरी समय है हालांकि 14 को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में आज सहसपुर में जो प्रत्याशी हैं आर्यन शर्मा, उन्होंने आज इन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। देखिए युवा चाहे किसी भी दल में रहे उसकी एक अपनी उसकी मुद्दे रहते हैं, रोज़गार एक बड़ा मसला उत्तराखंड में इस वक्त है और इसी अपेक्षा के साथ ये युवा कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब देखना ये होगा 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे तो जनता किसके भाग्य का फैसला करती है और इन युवाओं की अपेक्षा लेकर जो पार्टी में गए हैं इनका आगे भविष्य क्या रहने वाला है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमवर्त, जय भारत TV।